हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू किंग्स गेमिंग। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 ऐसी बेस्ट एआर गन्स जिनके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा, एंड वो मैं आज इसी वीडियो में 5 मिनट की वीडियो में आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई ये तो लावणी वाला है। कौन सा दांत तुम वापरता है तू? बाबू भैया सबसे पहली जो AR गन है वो है, मतलब कि जो फिफ्थ नंबर पे आती है वो है स्कार। रुको जरा, सबर करो, क्योंकि स्कार का डैमेज काफी अच्छा है, यानी कि 30 उस तक है, एंड उसकी रेंज जो है वो ज्यादा नहीं है। और उसी जगह अगर आप डबल रेट ऑफ फायर वाली स्कार चलाएं जैसे क्यूपिड स्कार, तो भाई साहब कतई जहर है। मतलब कि आप समझ ही सकते हो कतई जहर का मतलब, क्योंकि बहुत ही ओपी लेवल की चलती है स्कार, क्यूपिड स्कार। एंड अगर आपके पास कोई और गन स्किन है तो वो भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि स्कार भाई फिफ्थ नंबर पर है और इंडिया में ज़्यादातर लोग स्कार ही यूज़ करते हैं। एंड अब बात करते हैं अपने नंबर 4 गन की, जो कि है XM8। XM8 बिना स्किन के ही बहुत ही धांसुर चलती है, यानी समझ सकते हो भाई। पहले तो इसका रेट ऑफ फायर और ज़्यादा अच्छा था, लेकिन बाद में इसको रिड्यूस कर दिया गया गरेना की तरफ से, लेकिन अब भी XM8 लाजवाब है। कभी यूज़ करके देखना सर जी, एक नंबर की गन चलती है। एंड थर्ड नंबर की गन बात करें तो है AK। AK का डैमेज बहुत ही ज़्यादा है, एंड अब तो उसका रिकॉइल भी रिड्यूस कर दिया गया है। पहले AK का रिकॉइल बहुत ज़्यादा था, एंड नए अपडेट में जैसे कि देखा गया कि AK को यूज़ नहीं करता, तो गरेना ने उसका रिकॉइल रेट को कम कर दिया है। एंड उसके बाद की जो बात है वो बाकी सब अलग है। एंड स्किन्स वगैरह तो आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन AK में दम है, जो मतलब कि काफ़ी अच्छी गन है, एंड वो काफ़ी लॉन्ग रेंज तक दूर दूर तक मतलब कि फाइटिंग कर सकती है। तो मैं खुद पर्सनली AK यूज़ करता हूँ, एंड मैं आपको भी प्रेफर करूँगा AK यूज़ करने के लिए। एंड आगे की बात बताऊँ जो है वो है SKS। अब बहुत से यूज़र हैं जो इनको SKS के बारे में नहीं पता। SKS नंबर 2 पे आता है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसका डैमेज बहुत ही अच्छा है, यानी कि अगर वेस्ट नहीं है तो 80 का डैमेज देती है, 70-80, एंड वेस्ट लेवल 3 का है तो 50-40 का देती है। 2-3 गोली में वेस्ट तो एकदम चिथड़ा कर देती है। तो मैं भी सबसे ज़्यादा SKS मिलती है तो AK छोड़ के SKS ही यूज़ करता हूँ, एंड आपको भी प्रीफर करूँगा कि आप भी SKS यूज़ किया करिए। ये गन काफ़ी अच्छी, इसकी एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, एंड काफ़ी लॉन्ग रेंज में बहुत ही अच्छा डैमेज देती है। आपके पास स्किन नहीं है कोई बात नहीं, मैं भी विदाउट स्किन की ही SKS यूज़ करता हूँ, एंड मेरा जितना मतलब कि पता चला है जिस हिसाब से यूज़ करने से, काफ़ी 2-3 महीने का एक्सपेरिमेंट किया हूँ, काफ़ी तगड़ी SKS गन चलती है। एंड अब बात करते हैं अपनी नंबर 1 गन की। नंबर 1 गन है सर जी ड्रैगनाओ। ये ड्रैगनाओ भाई साहब, जब से इसका यूज़ पता चलिया है, जितने भी बंदे हैं सब ड्रैगनाओ के पीछे हाथ धो के पड़े हैं। गन ही कुछ ऐसी है, इसका डैमेज काफ़ी अच्छा है, अगर वेस्ट नहीं है तो 120 का डैमेज देती है। अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। तो तू जब इधर आया था तो कौन सा गोरा था? जो कि आम बंदों को मारने में बिना वेस्ट के तो 2 गोली मार दो एंड बंदा खल्लास। तो मैं सब गन से बेस्ट इसको SKS मानता हूँ, एंड मैं खुद प्रीफर करूँगा कि आपको जो भी गन मिले सब को छोड़ के SKS यूज़ करो। SKS एकमात्र ऐसी गन है जो फ्री फायर में इस समय टॉप पे चल रही, ट्रेंडिंग में, एंड इसका एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छा है, रेट ऑफ फायर भी अच्छा है। अगर आपको यूज़ करना आता हो तो मैं सजेस्ट करूँगा आप इसको थोड़ी दिन प्रैक्टिस करिए, एंड ड्रैगनाओ यूज़ करिए। ड्रैगनाओ की बात जो गन की बात ड्रैगनाओ में है वो किसी गन में आपको नहीं मिलेगी, ये मैं गारंटी बता सकता हूँ। लिख के बोलो तो भाई सब मैं लिख के दे दूँगा, आप जैसे बोलोगे वैसे दे दूँगा, लेकिन ड्रैगनाओ एक बार यूज़ करके देखना। इसका डैमेज अगर लेवल 3 का वेस्ट है तो भी 60 का पाता है, जो कि 1-2 गोली में लेवल 3 का वेस्ट तोड़ देगा। तो समझ सकते हो, समझ रहे हो ना, समझ लो इतनी खतरनाक गन है भाई साहब।
एंड मैं पर्सनली उसको यूज़ करता हूँ, मैंने पहले भी बता दिया था। एंड डगनो एक नंबर गन है, एंड आगे जो वीडियो आएगा मैं उसमें आपको बताऊँगा कि टॉप 3 क्लोज रेंज गन्स के बारे में। तो वीडियो पे चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि आपको मैं अपनी ऐसी ही नॉलेज आप तक शेयर करता रहूं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।